नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ मेरी ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे लगता है कि KRK, जिसका पूरा नाम है कमाल आर खान, उसने कुछ साल पहले जो इल्ज़ाम लगाया था इंडियन बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के ऊपर कि उन्होंने उसका ट्विटर अकाउंट उड़ाया क्योंकि उन्होंने आमिर खान के आने वाली पिक्चर का क्लाइमैक्स शेयर किया था इन वन ऑफ हिज ट्वीट्स, वो मुझे बेबुनियाद लगता है। आमिर खान मुझे सोशल मीडिया से ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं लगते और अब तो बिल्कुल भी नहीं लगते जब उन्होंने अपना सोशल मीडिया क्विट कर दिया है। जी हाँ, अगर आमिर खान इतने ऑब्सेस्ड होते, इतने पावरफुल होते तो वो सोशल मीडिया क्विट नहीं करते। आमिर खान ना अवार्ड्स के साथ इतना लगाव रखते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि उनकी दंगल पिक्चर को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था एज कम्पेयर टू अक्षय कुमार्स रुस्तम फिल्म, बट वहाँ पर अक्षय कुमार की सेटिंग वॉज अ बेटर सेटिंग एंड आमिर खान सेटिंग वॉज नॉट दैट ग्रेट, दो हिज फिल्म वॉज बेटर। मगर आमिर खान अवार्ड्स से इतना लगाव नहीं रखते और आमिर खान सोशल मीडिया से भी इतना लगाव नहीं रखते, ये दिखता है जब उन्होंने खुद अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया। ही हैज क्विट सोशल मीडिया एंड दिस शोज दैट नीदर डज ही हैव अ पावरफुल पोजिशन टू सस्पेंड somebody's अकाउंट नॉर इज ही obsessed विद सोशल मीडिया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी आमिर खान जी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। आई हैड टारगेटेड हिम व्हेन सुशांत सिंह राजपूत हैड पास्ड अवे बिकॉज आई वॉज वेरी मच अफेक्टेड बाय सुशांत सिंह राजपूत अनटाइमली एंड अननेचुरल डेथ। मगर यहाँ पर आमिर खान जी ने सोशल मीडिया क्विट करके ये साबित किया है कि उन्होंने कभी भी किसी का सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड नहीं करवाया अपने पोजिशन की वजह से, जो KRK जैसे लोगों ने उनके ऊपर पहले इल्ज़ाम लगाया था। दे वर फेक एलिगेशंस एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पर मैं आमिर खान जी के साथ खड़ी हूँ। नमस्ते, जय हिंद।